हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बढ़िया नहीं हूँ भाई। आप लोग बढ़िया हो या नहीं है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कुछ परेशानी में चल रहा हूँ, दिमाग जो है तो बहुत डिप्रेशन में चला गया है और टेंशन से लगी रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि आज जो है तो हमारे 299 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। लेकिन और कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, बस इतनी परेशानी है, घर की परेशानियाँ कुछ हैं ऐसी, तो फ्रेंड आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। जो कि आप लोग जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं अपनी यूट्यूब फैमिली अपनी फैमिली में से मानता हूँ। आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आज मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, और मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह से मैं टेंशन ही में हूँ और मैं किसी से बात ये शेयर भी नहीं करना चाहता, किससे कहूँ किससे नहीं कहूँ, कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। मैं किससे बोलूँ, मैं अपनी दिल की दुख दर्द मैं किससे सुनाऊँ, किसको कहूँ और कौन सुनेगा? फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे कोई राय या सुझाव लेनी ही है और अपना जी का बोझ हल्का ही करना है तो क्यों ना हम अपने यूट्यूब फैमिली से राय लें। और तो बहुत देर तक अपने घर और परिवार के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि ये जो परेशानी हमारी है तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली पे छोड़ देता हूँ। देखते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली क्या रिप्लाई देती है हमें, क्या कमेंट में कहती है हमें, जो ये जो मतलब परेशानियाँ हैं तो आप लोग ही मोटिवेट कर सकते हैं हमें। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप पे छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स। जब हमारी यूट्यूब फैमिली हमसे जुड़ी हुई है और हमें प्यार और सपोर्ट कर रही है, तो कोई सुझाव लेनी होगी या कोई राय लेना होगा तो मैं आप लोगों तक राय लूँगा। तो फ्रेंड्स आज क्या हुआ, जब मुझसे हमारी यूट्यूब फैमिली हमसे जुड़ी हुई है तो जो भी राय लेनी होगी या कोई सुझाव लेना होगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों ही से तो राय और सुझाव हम लेंगे, क्योंकि आप हमारे फैमिली में से हो और हम आप लोगों को अपना फैमिली में से मानते हैं। और बाकी तो मैं किससे राय लूँ, अपने तो जलते हैं, अपना कोई भी ये नहीं सोचता कि किसी का बन जाए। अगर किसी से भी राय लो या सुझाव लो तो वो अपना ही मतलब तरीका बताएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारे घर पे जो है तो मतलब लड़ाई हो गई थी सास और बहू में, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ अभी, मतलब दोनों में झगड़े हो गए, मतलब खाना पीना कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर वाइफ के पास फ़ोन करता हूँ तो वो भी रोने लगती है, माँ के पास फ़ोन करता हूँ तो वो भी रोने लगती है। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि मैं करूँ तो क्या करूँ, उनको कैसे समझाऊं, उनको कैसे समझाऊं, समझा ही नहीं पा रहा हूं फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें कोई अच्छी राय दें। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं फ्रेंड्स। मैं तो भाई ना तो माँ को छोड़ना चाहता हूँ और ना वाइफ को छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं बीच में लटका हुआ हूँ फ्रेंड्स। लेकिन घरों के हालात हमारे ऐसे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना तो हमारे दिमाग में कुछ बैठ रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग को मतलब कैसे क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आप लोगों की क्या राय है क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये हमारा व्लॉग चैनल है, लेकिन आज मैं एकदम डीमोटिवेट हो चुका हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, किसी को नहीं समझा पा रहा हूँ कि किसको क्या बोलूँ। मैं माँ को बोलूँ तो वो भी नाराज़ हो जाती हैं, उनको बोलो तो वो नाराज़। अब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, किधर जाएं किधर ना जाएं। और मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा काम में जो है तो भी मन नहीं लग रहा है। जब घर का लफड़ा सुनो या लड़ाई झगड़े सुनो, अगर अपना परिवार सुख खुशी में ना हो तो फिर वो खुशी खुशी नहीं होती फ्रेंड। तो इसलिए हम जो है तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो आप ही लोग राय और सुझाव दीजिए, कमेंट में बताइए हमें और मोटिवेट कीजिए फ्रेंड्स।
और लोग तो दुनिया में ऐसे पड़े हुए हैं कि सभी को छोड़ के जी लेते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं, वाइफ को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं किसी को भूल नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप ही बताइएगा कमेंट में क्या करें क्या ना करें, एकदम डिमोटिवेट हो चुके हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम काम कौन सा करते हैं, क्योंकि हमारी कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, हम हार्डवर्क करते हैं, दिहाड़ी दिहाड़ी समझते हैं आप लोग, जो ईटा गारा मसाला बदरपुर रेत यही सब होता है, जो 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ानी पड़ती है, बहुत मेहनत का काम है दिहाड़ी करना, लेकिन वो सब करना पड़ता है परिवार चलाने के लिए, खर्चे निकालने के लिए, घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आज छुट्टी पे थे तो आज हम सोचे कि फ्रेंड से कुछ शेयर कर देते हैं, जो भी हमारी दिल की बातें हैं वो आप फ्रेंड तक, कुछ दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और कोई मोटिवेट करने वाला भी मिल जाएगा, कोई कमेंट करेगा तो मोटिवेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे व्लॉग में, घर वाले डिमोटिवेट तो करते ही रहते हैं, लेकिन घर वाले भी जब डिमोटिवेट करने लगते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ गुजरती है दोस्त। और मैं इस व्लॉग पे जब वीडियो डालता हूँ तो लोग अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, और कई बार फ़ोन करके बोल भी चुके हैं जो रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं जो जानने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट करते रहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है जिसके 2-2 लाख 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो फेमस हो जाएंगे, तू कहाँ से फेमस हो जाएगा। लेकिन मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग मुझे फेमस करोगे, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, और आप लोगों की हमें प्यार की ज़रूरत भी है, और उनकी परवाह हमें कुछ भी नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे डिमोटिवेट करते हैं, परवाह है तो अपनी YouTube फैमिली की और अपने परिवार की, और किसी के परवाह नहीं है मुझे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, वरना वीडियो जो है तो बहुत ही लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब कैसा लगा, और हमारा जो मतलब सुझाव पूछे हैं आप लोगों से, जो राय ली है उस राय के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, कि कैसी कैसा करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।